नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको बैकअप जो है लेना है फायरवॉल का। ठीक है, तो पूरी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा, तो वीडियो जो है आप पूरी देखना तभी आपके समझ में आएगा, राइट। अब उसके बाद अब हमने क्या किया, लॉगिन कर लिया अपनी फायरवॉल में। तो हमें जाना है सबसे पहले सिस्टम के अंदर, जहाँ पे हमारा होगा बैकअप एंड फ्रेमवेयर। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे तीन ऑप्शंस रहते हैं। द फर्स्ट वन इज लोकल, एफटीपी और ईमेल। आप ईमेल में जो है सेटअप कर सकते हो, राइट। एफटीपी में आप सेटअप कर सकते हो और लोकल में आप जब मर्जी ले सकते हो और सेटअप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके लिए हम डिटेल्स में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आप जो है लोकल का मतलब क्या है कि लोकल में आप यहाँ पे अपने बैकअप का नेम लिख सकते हो, प्रीफिक्स। ठीक है, नेम आप यहाँ पे लिखोगे, फिर फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, मंथली में यहाँ पे आपको डेट दे देगा, वीकली में आपको यहाँ पे डे देगा, और डेली में आपको जो है टाइम बता दे, आपको टाइम बताना, और नेवर में तो फिर नेवर ही है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो आपको यहाँ से पासवर्ड जो है, ये कोई बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप यहाँ से पासवर्ड चेंज करोगे तो आप अपना जो भी आपका पासवर्ड है, तो आप वो पासवर्ड जो है यहाँ पे रख सकते हो, जो कि 12 करेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, तो 12 करेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, तो ये तभी काम करेगा। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर किया और आपको यहाँ पे क्या करना, अप्लाई। ठीक है, अप्लाई कर दिया हमने। तो ये था सिर्फ पासवर्ड चेंज करने के लिए। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड चेंज हो गया, तो अब हम जो भी बैकअप लेंगे वो क्या है कि रिस्टोर में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब उसके बाद है फिर यहाँ पे लोकल में हो गया, तो आप सीधा यहाँ पे बैकअप नाउ करोगे। मैं बैकअप नाउ कर देता हूँ, ये लोकल है तो ये बैकअप नाउ करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मैनुअली उसको। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऑप्शन आ जाएगा, अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन आएगा। और देखो बैकअप बहुत जरूरी है, आ गया आपके पास। ठीक है, आप डाउनलोड क्या है कि जैसे आप कोई चेंजेस करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि भाई कुछ अगर चेंज कर दिए तो मैंने प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको पहले बैकअप ले लेना है उसका। तो ये आपका बैकअप रेडी हो गया, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया। ठीक है, डाउनलोड इनक्रिप्टेड बैकअप, और ये आप देखो इनक्रिप्टेड बैकअप विद अ डिफरेंट पासवर्ड, मतलब आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो उस पासवर्ड को। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने चेंज कर दिया था, मुझे पता है। ठीक है, तो ये मेरा बैकअप डाउनलोड हो गया, राइट। उसके बाद आता है एफटीपी। एफटीपी में यहाँ पे आपको बैकअप के आपने स्क्रिप्ट दे दिया, फिर यहाँ पे क्या है एफटीपी का सर्वर, आपको एफटीपी सर्वर आपको देना है। ठीक है, सर्वर का एड्रेस आप यहाँ पे दोगे, यूजर नेम पासवर्ड, एफटीपी पासवर्ड आपको यहाँ होगा। ठीक है, एफटीपी पाथ आपका यहाँ पे होगा, फ्रीक्वेंसी कैसे करना, और ये चीजें आपको करनी होगी। तो अब इस केस में क्या रहेगा एफटीपी सर्वर में कि आपको कंप्लीट टेस्टिंग करके देनी होगी। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप एफटीपी सर्वर पे देखना चाहते हैं, तो आप अगर कमेंट करोगे एफटीपी के लिए तो ही मैं बनाऊंगा, अदरवाइज फिर आप करना ट्राई और मुझे बताना। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि फायरवॉल और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, इसमें कुछ नहीं है बाकी, तो चेंज पासवर्ड वही पासवर्ड रहेगा हमारा, और मंथली, वीकली, डेली, नेवर आप उसको शेड्यूल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल का भाई बेस्ट रहता है। ठीक है, ईमेल का बेस्ट रहता है हमेशा, और ईमेल में क्या है कि बैकअप आप नाम रखोगे और ईमेल एड्रेस आप जो भी आपका डोमेन है, कोई भी आप डोमेन आप उसमें सेट कर सकते हो, और उसके बाद जो है ईमेल आपकी उस पर चली जाएगी जैसे आप चाहते हो, डेली आप चाहते हो, वीकली आप चाहते हो। ठीक है, मंथली, अब डेली में हमेशा डेली रखना चाहिए। अगर मैं आपको अपना सजेशन दूं तो हमेशा आपके पास डेली होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस आप डेली करते रहते हो, और चेंजेस जो करते रहते हो आप, ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो है, बस उसके हिसाब से आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी कि क्योंकि आप सुबह आए, आपकी फायरवॉल नहीं चल रही है, हार्डवेयर फेल हो गया है, कुछ भी इशू हो जाता है। ठीक है, कुछ भी इशू हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या है, बैकअप आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और अगर आपके पास बैकअप रहेगा तो आप अपनी सारी सेटिंग्स को जो है रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल आप यहाँ पे सेट करते, मैं एक ट्राई कर लेता हूँ, मेरी जो मेल आईडी है मैं उस पर भेज के देख लेता हूँ। ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि जीमेल सेट नहीं है इसमें, बैकअप नाउ और
Let me try. ठीक है, ये बैकअप इस तरीके से जाना चाहिए, बैकअप हो गया तो सेंड हो गया, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ईमेल में मेरा बैकअप जो है जाना चाहिए, ठीक है। शिट यार, सॉरी 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 गाइस, abhimanyu@gmail.com, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। मैं अभी क्या कर दे रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई कर दिया मैंने, सेव किया इसको, सेव हो गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, बैकअप नाउ मैं कर देता हूँ। तो अब मेरे पे ये मेल थ्रू हो जानी चाहिए। इट्स डन, बैकअप हैज बिन टेकन। देखा, तो आपको इसने दिखा दिया यहाँ पे। तो मैं एक सेकेंड ईमेल देखता हूँ अपनी। तो इसमें मेरे को अभी मेल नहीं आई है जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है वो आपको बताता हूँ कि आपको इसमें सेटिंग्स करनी है आपके मेल अकाउंट के लिए, ठीक है। ठीक है, ये आपको सेटिंग्स करनी होती है, राइट। सेंड वाया, अभी क्या है कि बिल्ट इन ईमेल सर्वर, मैंने क्या किया है कि फायरवॉल से सेलेक्ट किया है। तो आप जब एक्सटर्नल आपका कंपनी का डोमेन आप यूज़ कर रहे होगे, तो आपको यहाँ पे सारे यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से आपको जो है अपने नोटिफिकेशन सेटिंग्स आपको यहाँ पे मैनेज करनी है, राइट। तो बस यही है आपका, इस तरीके से आपको बैकअप लेना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि हम रिस्टोर कैसे करेंगे, कि रिस्टोर करने का क्या फंडा रहेगा और किस तरीके से हम रिस्टोर करेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।